कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं बिलोंग तो सिरसी से करता हूँ, लेकिन संभल में मरकजी दारुल इफ्ताज मलूम में मैं मदरिस हूँ, टीचर हूँ। इस समय उच्चतम न्यायालय का आदेश आने का चल रहा है और पुलिस प्रशासन भी हर जगह बैठक आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि हमारा समाज एक सुंदर वातावरण में रहे। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारा यही संदेश है आवाम से, और अपील भी करते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिसके भी पक्ष में जाए, सारे पक्षों को उसका आदेश मानना ज़रूरी है, वरना कानून का उल्लंघन है, देशद्रोही है जो उसके कानून को नहीं मानेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे और हर समाज के आदमी को उसका आदेश मानना चाहिए, इसलिए कि उसका आदेश जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो देश के हित में होगा। हम सबको अच्छे अंदाज से भाईचारा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने जिस अंदाज से मतलब अंग्रेज़ों को भगाया था हिंदुस्तान से, इस अंदाज से हमारे देश से जो गरीबी है, मजदूरी है, परेशानियां हैं, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको मानने होगा, सब इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे। मैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम से ये अपील करता हूँ कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, शासन प्रशासन का सहयोग करें, देश के हित में काम करें और शहर और को और इलाके को अमन और शांति का पैगाम दें। सब लोग भाईचारा के साथ रहें, हम सब हिंदुस्तान के हैं, सब चमन की तरह रहें, चमन में हर तरीक़े का फूल होता है, इसलिए हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसी किस्म की अफवाह पर ध्यान न दें, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ शरारती तत्व के लोग हमारे देश के अंदर जो पहले से ताक लगाए बैठे हैं, वो किसी किस्म का ऐसी अफवाह फैला के देश को दंगे की तरफ ले जाएं, ऐसा हरगिज हम नहीं होने देंगे। सारी आवाम से हम अपील करते हैं कि भाईचारा के साथ रहें और सुप्रीम कोर्ट का आदेश माने।